भिंड जिले में राष्ट्रीय करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया के द्वारा संभागीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष आकाश सिंह तोमर, अंशु को नियुक्त करने के बाद भिंड नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा क्षत्रिय समाज के अलावा गरीबों के साथ रही है, सबको जोड़कर चलने वाला संगठन है। भदौरिया ने कहा कि मिहिर भोज मुद्दे पर शासन प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करे, इसके लिए कई बार करणी सेना आवेदन कर चुकी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना शांति के पक्ष में रही है। इस अवसर पर नव निर्वाचित संभागीय अध्यक्ष विक्रांत भदौरिया, जिला अध्यक्ष अजय सिंह तोमर ने भी संगठन को मजबूत करने और समाज और गरीबों का उत्थान करने के लिए जोर देने की बात कही। इस अवसर पर राहुल भदौरिया, अनूप भदौरिया, अमित राजावत, आशीष राजावत, वैभव भदौरिया, राम नरेश यादव के साथ करणी सेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री राजपूत करणी सेना की जो प्रेस वार्ता हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य एक तो हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आकाश सिंह तोमर, उनको लेके और विशेष रूप से हमारे संगठन में जो अभी मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके लिए आगामी आप क्या करना है उसके लिए अपन लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में द्वेष फैलाने में कुछ लोग मतलब बाज नहीं आ रहा है इन सारी हरकतों से, तो इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं या तो शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाया जाए, नहीं ये किसी दिन बड़ा उग्र आंदोलन ले लेगा। इसके लिए हमने शासन प्रशासन से भी कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अभी कुछ आज आपको श्री राजपूत करणी सेना द्वारा जिलाध्यक्ष बनाया गया, प्राथमिकता रहेगी? मुझे श्री राजपूत करणी सेना देश के सबसे बड़े राजपूत संगठन श्री राजपूत करणी सेना में भिंड जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और संगठन ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उस पर मैं पूर्ण निष्ठा से उसका निर्वहन करूँगा अपने पद का, और राजपूत समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा।